जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में आज ईडी बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। कल लालू यादव से 10 घंटे सवाल जवाब करने के बाद आज ईडी तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आज बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी का सामना होने जा रहा है। कल लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे तक पूछताछ हुई है और आज जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़ी है बड़ी खबर कि आज तेजस्वी से होगी पूछताछ। आप डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 24 चुनाव को लेकर के काफी डरे हुए हैं और इसी कारण विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देश के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको लेकर के हमेशा अपनी बात को जनता के बीच रखते रहेंगे। इस प्रकार के लोग जब यह बात करें कि ईडी कार्रवाई पूर्वाग्रह से कर रही है, किसी के इशारे पे कर रही है, तो ऐसा नहीं है। ईडी स्वतंत्र इकाई है, कानून जहां टूटेगा, और कौन नहीं जानता है कि नौकरी के बदले जमीन ली गई है। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव कल उनसे पूछताछ हुई है, लैंड फॉर जॉब केस में आरोपी हैं। सीबीआई पहले ही पूछताछ कर चुकी है, ईडी की तरफ से जो पूछताछ हुई है कल 10 घंटे 50 से ज्यादा सवाल जवाब हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा यादव, उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है लैंड फॉर जॉब केस में, वो भी आरोपी हैं। लालू के बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनसे आज ईडी करेगी पूछताछ। प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इस मामले को लेकर सियासत हो रही है, लगातार अपने चरम पर सियासत है, लेकिन इस बीच आज तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे, ईडी का सामना करेंगे, सवालों के जवाब देंगे। जी बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव को 11 बजे फिर से ईडी ऑफिस पटना में पहुंचना है और आज उनसे फिर वही 50 सवाल दोहराए जाएंगे। आपको बता दें कि जो सवाल होते हैं ईडी के वो यही होते हैं कि किन किन लोगों के नाम पर वो कंपनियां बनाई गई थी, ए बी कंपनी है और AK स्पोर्ट्स है, ये तमाम हृदयानंद चौधरी कौन है, अमित कात्याल से क्या संबंध है, जो इंदौर में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नौकरियां बांटी गई वो किन किन लोगों को बांटी गई, उनके उसके नौकरी के बदले में कितनी जमीन ले गई, वो जमीन कहाँ कहाँ ही, और ये तमाम जो भी सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल को लेकर के डॉक्यूमेंट भी ईडी सामने रखती है। और यही वजह है कि कल जब लालू यादव से पूछताछ हो रही थी तो लालू यादव कई बार झल्ला भी गए थे, कई बार उठकर वो घूमने टहलने भी लग गए थे, क्योंकि एक एक सवाल को ईडी कई तरीके से पूछ रही थी। जैसे कि जानकारी मिली है ईडी सूत्र के तरफ से, जो जानकारी मिली है लगभग 50 सवाल रखे गए थे और ये 50 सवाल ऐसे सवाल हैं जिस सवाल का जवाब देना इससे पहले जुलाई 2022 में तेजस्वी यादव से भी यही 50 सवाल पूछे गए थे, उसके जवाब वहां लिए गए थे। अब फिर से लालू यादव से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और आज फिर तेजस्वी यादव से वही सवाल डॉक्यूमेंट के आधार पर पूछे जाएंगे। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जो डॉक्यूमेंट जुटाए हुए हैं और जो FIR जो चार्जशीट दाखिल की गई है 4751 पन्नों की, उसमें ही सारे डॉक्यूमेंट भी जोड़े हुए हैं और उसी को लेकर के सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो सवाल तेजस्वी और लालू के लिए भारी पड़ रहे हैं। जी ठीक प्रशांत, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी